हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, राधा रानी जी के दर्शन। बरसाना में भक्त थे ब्रजदास जी, उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम रतिया था। यही ब्रजदास जी का परिवार रहता था। ब्रजदास जी दिन में काम करते और शाम को श्री राधा जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ संग करते। यह उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने कहा कि भैया, हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है, पैसे हैं नहीं, तो सेवक कर लेते हैं, तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास जी ने कहा ठीक है। ब्रजदास जी ने उनसे यह भी कहा कि गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ सकूं। संत जी ने कहा ठीक है, मैं 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रजदास जी ने अपनी बेटी से कहा कि मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने सामान ब्रजदास जी को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं उठा लिए। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को श्वास का रोग था, कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही 12 बज गए। ब्रजदास जी ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि जून का महीना है, 12 बजे हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर जाना। ब्रजदास जी ने कहा कि बरसाने की ब्रह्मानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आँखों से अश्रुपात होने वाला लगा। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास जी वापस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत, भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए और मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल गिद्ध गजराज को तारा द्रौपदी को संकट से बचाया है, पर इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय भी नहीं लग रहा। ब्रजदास राधा रानी के भक्त हैं, वे ही इनके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, उनको ही बुलाया जाए। भगवान बड़ी दोपहरी में राधा रानी के पास उनके महल गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा कि कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार हो पुकर पहुंच गई। पिताजी आवाज़ लगाई। ब्रजदास जी आगे बेटी के चरणों में गिर पड़े। आज तू ना आती तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा कि आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा कि माँ बाप को संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन लीजिए। ब्रजदास जी भोजन करने लगे तो राधा जी ने कहा कि घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर उसने अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास जी ने कहा कि आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा कि अच्छा, पता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा कि कोई मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास जी के समझ में सारी बात समझ आ चुकी थी। उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए, उन्होंने मुझे खाना और जल देकर मेरी मदद की है और मेरे प्राण बचाए हैं। तो उसे सारी बात समझ में आ गई और राधा रानी की उस पर असीम कृपा हुई है, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी राधा रानी का नाम जप कर रहने लगा। इस प्रकार राधा रानी
हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है, इसीलिए राधे राधे नाम जपते रहिए और जीवन को सुखी बनाते रहिए। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त तो होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में राधा राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।